રાજસ્થાનના શિખર ક્ષેત્રના સુરતના મહેમાન બન્યા હતા ત્યારે કોલોનીના જિલ્લાના મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું રાજસ્થાનના શિખર ક્ષેત્રના ભાજપના સાંસદ સુમેદાનંદજી આજ રોજ સુરતના મહેમાન બન્યા ત્યારે અંબર કોલોનીના શિખર જિલ્લાના મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા તેમણે આમંત્રણ આપી તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું તેમજ આ કાર્યક્રમમાં શિક્ષણ સમિતિના ઉપાધ્યક્ષ શ્રીમતી શશિકલા યાદવ તેમજ અગ્રવાલ સમાજના રાષ્ટ્રીય કાર્યકલાના અગ્રણી વિશ્વનાથ પચેરિયા મુખ્ય મહેમાન બન્યા હતા અને આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં મુસ્લિમ સમાજના લોકો હાજર રહ્યા હતા બોમ્બેથી જયપુર જતી બાંદ્રા જયપુર ટ્રેન રૂટ લંબાવી શિખર સુધી થાય તે માટે મુખ્ય માંગ કરી હતી આ અંગે વધુ માહિતી તેઓ મીડિયાને આપી હતી વિશ્વનાથ પચેરિયા અગ્રવાલ સમાજ રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણી સદસ્ય आज सीकर शेखावाटी के सांसद आदरणीय सुमेदानंद जी सरस्वती इस सूरत के उदना विस्तार के अंबर कॉलोनी के मस्जिद में अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पधारे बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बड़ी ही आत्मीयता के साथ संपूर्ण समाज ने उनका अभिनंदन किया उनका स्वागत किया साथ में एक मांग रखी कि सीकर अभी जो ब्रॉडगेज से जुड़ चुका है उसके लिए केंद्र सरकार से बात करें एवं सूरत को सीधी सुविधा शेखावाटी की प्रदान करने का प्रयास करें ऐसा हमने मांग रखी और आदरणीय सांसद जी ने वचन दिया है कि आगामी जो शीतकालीन संसदीय सत्र होगा उसमें ये बात रखेंगे और शेखावाटी अंचल सहित जयपुर को मिलाकर पांच सांसदों का प्रतिनिधिमंडल आदरणीय पीयूष गोयल रेल मंत्री से मिलकर इस और समस्या को मानते हुए इसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे ऐसा आदरणीय सुमेदानंद जी ने कहा आज सूरत में हमारे सीकर का नागरिक परिषद के नाम से एक संस्था है उस संस्था का कार्यक्रम है उसमें मैं आया था और उसके बाद में फिर हमारी कई संस्थाओं ने यहाँ पर कार्यक्रम किए हैं क्योंकि हमारे सीकर सेखावटी के लाखों की संख्या में लोग यहाँ व्यवसाय करते हैं उनके सहयोगी के रूप में मजदूरी का काम करते हैं जिन लोगों का सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है और यहाँ भी वे लोग आपस में परिवार की तरह से रहते हैं तो मैं आज उस कार्यक्रम में आया हूँ रात्रि को कार्यक्रम है उससे पहले मैंने विचार किया कि जिन लोगों ने जाकर के मेरे क्षेत्र में मेरा सहयोग किया मैं स्वयं उनके पास जाकर के उनका धन्यवाद करूँ तो इस दृष्टि से मेरा यहाँ पर आगमन हुआ है यहाँ सभी लोग मेरी लोकसभा क्षेत्र के मिले हैं जिसमें काबरा जी हैं सलीम भाई जी हैं अपने विश्वनाथ जी हैं ये सब लोग मिले हमारी बहन शशिकला जी मिली है तो इनका सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और इनका सहयोग मिलता रहता है इनका प्यार तो आप सीकर में देखते यहाँ से इतनी दूर जा के इन लोगों ने मेरी जो मदद की जो सहायता की अपने हजारों रुपए खर्च करके यहाँ से गए और वहाँ जाकर के डोर टू डोर जा करके इन्होंने मदद की इससे लगता है कि ये लोग मेरे प्रति बड़ा प्यार स्नेह करते हैं मैं इनका बहुत आभारी हूँ मुकेश खुरा साथी अश्मिता पटेल दिव्यांग न्यूज सूरत